वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं इंजीनियर चेतन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ, सिविल के बाद गुरुजी के साथ। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिविल गुरुजी में, जिसमें हम बात करते हैं कंप्लीटली सिविल इंजीनियर्स के बारे में। तो दोस्तों आज एक ऐसा ही टॉपिक मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं, जिसमें आज बात करेंगे सिविल इंजीनियर्स के बारे में। आज मैं एक साइट पर बहुत सारे यहाँ पे फुटिंग्स आप लोगों को दिखाई देंगे। यहाँ पर आप लोगों के ट्रेपेजोइडल फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग, अलग अलग तरह की कंबाइंड फुटिंग यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिसमें दो कॉलम आ रहा है, तीन कॉलम आ रहा है। आज उसका मैं वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये कंप्लीटली इस वीडियो में। आप वीडियो अच्छी लगे और वीडियो आपको ऐसे ही और वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, जो बेल आइकन दिखता है ना आपको, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे सिविल इंजीनियर रिगार्डिंग। क्योंकि जो हम वीडियो लाते हैं ये अवेयरनेस के लिए, आप लोगों के लिए, कि आप लोग अवेयर हो जाएं अपने कैरियर के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, जिससे आप लोगों की एक अलग ऊंचाइयों पर आप लोग पहुंच सकें। इसलिए हम काम कर रहे हैं केवल आप लोगों के लिए कंप्लीटली। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो में, और इस वीडियो में हम जानते हैं कि कंबाइंड फुटिंग, ट्रेपेजोइडल फुटिंग, इनका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, और इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आप लोगों को देखने के लिए क्या क्या चेकलिस्ट बनेगी उसके बारे में कंप्लीटली आप लोगों को बताने वाला हूं इस लाइव वीडियो में। देखिए दोस्तों कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं कंप्लीटली। कंबाइंड फुटिंग जानने से पहले हम समझते हैं फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि फाउंडेशन पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारे बिल्डिंग स्ट्रक्चर का। अब हम इसको कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर के लोड को और उसके वजन को लार्ज एरिया में ट्रांसफर करता है हमारा कौन, फाउंडेशन। और साथ में सॉइल की अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी जो होती है उसको किसी भी तरह का नुकसान ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं हमारे फाउंडेशन पार्ट को। साथ में दोस्तों और जो कंक्रीट का सॉलिड हम बना देते हैं ग्राउंड पर, मतलब जैसे हम फाउंडेशन बनाते हैं जिसको हम फाउंडेशन बेड बोलते हैं, मतलब जो कंक्रीट का सॉलिड पार्ट होता है इसको बोलते हैं फाउंडेशन बेड। अब जानते हैं दोस्तों क्यों जरूरी है फाउंडेशन पार्ट। देखिए फाउंडेशन पार्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि स्ट्रक्चर के सभी लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जैसे कि मैंने भी अभी बताया था आपको कि स्ट्रक्चर के लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, फाउंडेशन। साथ में किसी भी तरह का अनइक्वल सेटलमेंट हो बिल्डिंग का उसको बचाता है कौन, फाउंडेशन, मतलब उसको टोटली अवॉइड कर देता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर का किसी तरह का मूवमेंट नहीं होने देता हमारा फाउंडेशन, मतलब किसी भी तरह का मूवमेंट हो स्ट्रक्चर में उसे पूरा बच सेव करता है कौन, फाउंडेशन। स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हर तरह से इंक्रीज कर देता है हमारा फाउंडेशन का पार्ट यहाँ पर, तो इसलिए फाउंडेशन देना बेहद ही जरूरी है। तो दोस्तों अब समझते हैं हम कंबाइंड फुटिंग के बारे में कि कंबाइंड फुटिंग क्या होती है और क्यों प्रोवाइड करते हैं। देखिए कंबाइंड फुटिंग एकदम आइसोलेटेड फुटिंग की तरह ही होती है, लेकिन कंबाइंड फुटिंग देने के पीछे अलग अलग रीजन है। देखिए रीजन समझते हैं, सबसे पहले जब भी हमारे सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी एकदम लो होगी तब हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। दो या दो से ज्यादा कॉलम हमारे एक ही फुटिंग में आ जाए तब हम कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, या हमारी जो फुटिंग है दो फुटिंग ओवरलैप कर रही है, मतलब फुटिंग का जो एरिया है जिस पर लोड डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था, जो भी पर यूनिट एरिया हमको मिल गया है उस एरिया में क्या हो गया, ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एरिया, तो हमारे पास ऑब्वियसली जो फुटिंग का एरिया हो गया वो कम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक ही फुटिंग प्रोवाइड करते हैं, एक ही फुटिंग के अंदर दो कॉलम दिए, दैट इज कॉल्ड, या तीन कॉलम दिए, दैट इज कॉल्ड कंबाइंड फुटिंग। दोस्तों कंबाइंड फुटिंग के अलग अलग टाइप्स होते हैं, जैसे कंबाइंड फुटिंग को मैं आपको बताऊं तो कंबाइंड फुटिंग अलग अलग टाइप्स में हम प्रोवाइड करते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर कंबाइंड फुटिंग हो गया, स्क्वायर शेप कंबाइंड फुटिंग हो गया, ट्रेपेजॉइडल कंबाइंड फुटिंग हो गया, तो ये कंप्लीटली अलग अलग टाइप्स हैं कंबाइंड फुटिंग के। दोस्तों आप लोग देखेंगे ये जो फुटिंग है ये है कंबाइंड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग की आपको शेप दिख रही है रेक्टेंगल, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, रेक्टेंगल शेप है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट यहाँ पर लगा सकते हैं, मतलब फुटिंग की लंबाई, फुटिंग की चौड़ाई जो हमें स्ट्रक्चर ड्राइंग में प्रोवाइड होती है, देन फुटिंग की डेप्थ क्या रहेगी, इसको लोड को यहाँ पर रजिस्टर कराने के लिए, मतलब जितना भी लोड हमारे बिल्डिंग का आ रहा है वो सारा लोड हमारे अर्थ सर्फेस में ट्रांसफर होने के लिए कितना लोड डेप्थ चाहिए वो यहाँ पर डेप्थ हमने डिसाइड कर दिया एज पर स्ट्रक्चरल एनालिसिस सॉफ्टवेयर जो कि होते हैं ETAPS, स्टैट प्रो, सेप 2000, इनकी सहायता से हमने यहाँ पर डेप्थ को फाइंड आउट कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप तीन कॉलम आपको दिखा दे रहे हैं, 1, 2 और 3, यहाँ पर तीन कॉलम आपको शो हो रहे हैं। अब देखिए तीनों कॉलम एकदम नियर बाय हो गए, तो दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए और भी आपको कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये काफी दूर दूर है, मतलब यहाँ स्पेस इतना ज्यादा है फुटिंग के लिए कि यहाँ पर इजीली हम दो फुटिंग अलग अलग दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर आपको केवल बहुत पास पास आपको फुटिंग दिखाई दे रही है, इस यही कारण है कि यहाँ पर कंबाइंड फुटिंग देनी पड़ी कि एक ही फुटिंग के अंदर दो या दो से ज्यादा कॉलम हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये होते कंबाइंड फुटिंग। जैसे आप देखते हैं कि इसका मेजरमेंट करने के बाद इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो देखिए मेजरमेंट करने के लिए यहां से मैं डाटा अडॉप्ट करूंगा, इस वाले पॉइंट से जो आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट से लेकर आप लास्ट पॉइंट जो आपको दिखाई देगा, ये लास्ट पॉइंट तक हम जाएंगे, वहां तक की लेंथ
और सेम इस वाले पॉइंट से लेके उस वाले पॉइंट तक हम जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉइंग से जो मेजरमेंट करके यहाँ पे डाटा आया है वो आया 2.5:4, 2.5:4 का हमारा फुटिंग दिया गया है और इसकी डेप्थ है जो यहाँ पर डेप्थ दी गई है 600 mm की डेप्थ दी गई है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और इसका समझते हैं कि वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा और शटरिंग की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट की जाएगी। तो वीडियो में आगे मैं आप लोगों को कंप्लीटली बताऊंगा इसके बारे में। आइए चलते हैं एक्सेल शीट की ओर। दोस्तों ये अपने ओपन किया एक्सेल शीट को और एक्सेल शीट में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि एक एस्टिमेशन शीट का फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट है यहाँ पर कंप्लीटली आप लोगों के लिए सामने लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, टोटल यूनिट्स। ये जो फॉर्मेट होता है ये एक्चुअल में पीडब्ल्यूडी का फॉर्म नंबर 23 जो कि होता है मेजरमेंट बुक, सेम यही फॉर्मेट मेजरमेंट बुक का होता है और यहाँ पर हम एस्टिमेशन शीट के लिए भी यही फॉर्मेट यूज करते हैं। यहाँ पर हमें जितना भी हमने आइटम्स लिए हैं वही सभी आइटम्स यहाँ पर हमें इनपुट कराने होते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कंबाइंड फुटिंग, तो कंबाइंड फुटिंग के नंबर ऑफ आइटम कितने वो हम यहाँ पर इनपुट करा देंगे। देन इसके बाद आप लोग देखेंगे कि लेंथ, अब जब लेंथ हमने निकाला था वो लेंथ को यहाँ पे इनपुट कराना है, विड्थ यहाँ पर, हाइट यहाँ पर और टोटल यहाँ पर, यूनिट्स जिस भी आपने यूनिट ऑफ मेजरमेंट किया है वो यहाँ पर रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अभी एक मेजरमेंट किया है, वन नंबर डाला मैंने यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया मैंने कंबाइंड फुटिंग। मैंने माना दोस्तों कि इस साइट पर करीबन जो फुटिंग है उसका नाम दे दिया F1 और मान लिया कि इस पूरी साइट पर जो नंबर ऑफ फुटिंग है वो यहाँ पर 14 फुटिंग आप लोगों को दी गई है। मैंने मतलब मेजर किया और यहाँ पर कैलकुलेट करके 14 फुटिंग यहाँ पर काउंट करने के बाद आ गई है। देन इसके पास जो लेंथ, एक फुटिंग की लेंथ मैंने मानी 2.5:4 जो कि अभी हमने मेजर करके लेके आए हैं अपने साइट से और 600 mm उसकी डेप्थ, दैट इज 0.6। मतलब एक फुटिंग को मेजर किया और 14 फुटिंग यदि सेम है उसी मेजरमेंट की है तो मैंने यहाँ पर 14 यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। टोटल में जाके क्या करूंगा, इक्वल्स टू नंबर ऑफ आइटम पे मैंने क्लिक किया, मल्टीप्लाई लेंथ, मल्टीप्लाई विड्थ, मल्टीप्लाई हाइट किया, देन एंटर कर दिया। तो यहां पर जो आंसर आया 84 क्यूबिक मीटर। देखिए दोस्तों 84 क्यूबिक मीटर क्या है, यहां पर टोटल कंक्रीट आया। मतलब इस साइट पर यदि 14 फुटिंग है तो 14 फुटिंग को कास्ट करने के लिए 84 क्यूबिक मीटर मुझे क्या चाहिए, कंक्रीट चाहिए। अब कंक्रीट में अलग-अलग पार्ट होते हैं जैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, वो कितना लगेगा, एक्चुअली वो सभी पार्ट होता है हमारे क्वांटिटी सर्वे से आता है। तो दोस्तों मैं यहां पर क्वांटिटी सर्वे के लिए भी आपको शीट दिखाता हूं कि क्वांटिटी सर्वे में हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये एक फॉर्मेट आया, ये क्वांटिटी सर्वे से फॉर्मेट आया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, यूनिट, रेट, अमाउंट, ये कंप्लीटली आप लोग पार्ट देख रहे हैं। ये क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस की शीट है यहां पर और आप लोग देखेंगे यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट और यहां पर सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट और यहां पर उसका सम लिखा हुआ है कितना पार्ट यहां पर देना है हमको। आप लोग देखेंगे यहां पर 1.5% इक्विपमेंट का चार्ज यहां पर लिया हुआ है, 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट और यहां पर टोटल कॉस्ट भी है। तो दोस्तों करते हैं यहां पर, सबसे पहले हम जानते हैं कि हमने जो कंक्रीट का पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड किया, तो कंबाइंड फुटिंग में हमारा किस रेशियो का कंक्रीट यहां पर प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने लिया M25, तो आप लोगों को पता है M25 जब भी हम प्रोवाइड करते हैं तो M25 का जो रेशियो होता है वो होता है 1 part हमारा सीमेंट का होता है, इसके बाद हमारा 1 part सैंड का होता है और 2 part होता है हमारा एग्रीगेट का। तो इस रेशियो को हम क्या करेंगे यहां पर प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहां पर हम वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट की बात करें, सबसे पहले मैं यहां पर चेंज कर देता हूं उसको M25। वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मैंने यहां पर दिया 84 क्यूबिक मीटर, 84 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट हमने प्रोवाइड किया। देखिए दोस्तों ऑटोमेटिकली नीचे डाटा भी चेंज हुआ। अब हम यहाँ पर 1:1:2 का रेशियो देते हैं, देखिए 1 part सीमेंट का, 1 part सैंड का और 2 part एग्रीगेट का। तो दोस्तों पूरा फुटिंग हमें कास्ट करने में, 14 फुटिंग कास्ट करने में 932 बैग हमारे किसके लगेंगे, सीमेंट के, 1141 क्यूबिक फीट हमारा आएगा सैंड, 2283 क्यूबिक फीट करीबन, 2284 क्यूबिक फीट हमारा एग्रीगेट का और यहां पर हमारे मैसन जो है इसको 10,878 रुपए चार्ज लगेगा, लेवर का चार्ज 88,200 रुपए और बिस्ती का 4200 रुपए यहां पर चार्ज आएगा। तो टोटल आप देख रहे हैं यहां पर सब कुछ करने के बाद 453,377 रुपए रेट आ रहा है और 6,805 रुपए इक्विपमेंट चार्ज जो कि हो जाता है 4,60,482 रुपए। अब यहां कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट लगने के बाद 46,048 रुपए कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट हो गया, ग्रैंड टोटल 5,06,530 रुपए यहां पर हमारा कॉस्ट आ रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस करके हम यहां पर कंप्लीट रेट जान पाए कि मार्केट का क्या रेट है। अब देखिए यहां पर हम रेट चेंज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपके यहां सीमेंट का रेट 300 नहीं है, 250 रुपए, मैंने यहां पर 250 लिखा तो देखिए ऑटोमेटिकली यहां पर चेंज हो गया उसका रेट। तो मैं किसी का भी रेट यहां पर क्या कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं जो भी मेरे मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से रेट है। तो ये कंप्लीटली क्वांटिटी सर्वे रेट एनालिसिस के लिए हमें ऐसे शीट्स अपने लिए मेंटेन करने पड़ते हैं क्योंकि साइट पर हमें डेली मैन्युअली कैलकुलेशन करेंगे,
तो पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारी ग्रोथ होने का। हमें अगर ग्रोथ चाहिए तो ऐसे एस्टिमेशन शीट, ऐसे क्वांटिटी सर्विस शीट्स हमें क्या करने पड़ेंगे, मेंटेन करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में आप कंप्लीटली जानेंगे एक कंबाइंड फुटिंग के बारे में, कंबाइंड फुटिंग कैसे दिखती है साइट पर, कब दी जाती है, उसके डेफिनेशन के बारे में जाने और उसके आपको कैलकुलेशन पार्ट के बारे में जाने। दोस्तों यदि आपको कंप्लीटली फाउंडेशन के बारे में जानना, जिसमें आप शैलो फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन की अलग अलग फुटिंग्स, जिसमें हम कैंटिलीवर फुटिंग की बात करते हैं, राफ्ट एंड मैट के बारे में बात करते हैं, दोस्तों यदि इसके बारे में आपको कंप्लीटली जानना है तो विजिट करो www.civilguruji.com, जिसमें कंप्लीटली मैंने फुटिंग के बारे में, फाउंडेशन के हर एक पार्ट को मैंने कवर अप किया गया है, जिसमें आपके पाइल फाउंडेशन, पियर, इनकेशन, ये सारे पार्ट उसमें कवर अप किए गए हैं। तो दोस्तों विजिट कीजिए www.civilguruji.com और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बने रहिए सिविल गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।